नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। घर के बाहर खड़ी तीसरी लहर ने हम सबकी चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिनों में ही संक्रमण के आंकड़े कई गुना ज्यादा हो गए हैं। उनमें बच्चे के संक्रमित होने की संख्या भी पिछले दोनों लहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है और यह आंकड़ा डराने वाला है, सावधान और सतर्क करने वाला है। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। कई जगह तो एक ही स्कूल से 50 से 100 तक की संख्या में बच्चे और अध्यापक दोनों संक्रमित हो गए हैं। अब सवाल है कि बच्चों को संक्रमित होने से कैसे बचाया जाए, किन कारणों से बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना का कौन सा वेरियंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ऐसे कई और सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट पैनल से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इंदौर में पिछले दो महीने में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सेतिया क्या कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभी तक देखा जाए तो लगभग 241 बच्चे अभी संक्रमित हुए थे, उसमें से 82 बच्चे जो है लगभग नवंबर में आए थे और 159 बच्चे लगभग दिसंबर में आए थे। और अभी भी लगभग अगर जनवरी के देखा जाए तो लगभग 17 बच्चे अभी 4-5 दिन के अंदर भी पॉजिटिव आए। अभी बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहने की वजह से यह है कि बच्चों में कहीं भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं थे, बिल्कुल सामान्य बच्चे थे। एक रैंडम सैंपल टेकनी या फिर उनके घर में कोई पॉजिटिव आया तो जब उनके घर के सारे लोगों की सैंपलिंग जांच करी तो उनमें से ये बच्चे भी कुछ पॉजिटिव आ गए। बच्चों में आखिर संक्रमण की संख्या आखिर बढ़ क्यों रही है, क्या कुछ इसकी वजह है, क्या रीजन है, ये भी हमने डॉक्टर से बातचीत की। कोविड की तीसरी लहर में लगभग 15% बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं यंग एडल्ट हैं, जो कि 12 से 18 साल वाले बच्चे हैं और साधारण लक्षण में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गले में खराश होना, बुखार आना, हल्का फुल्का पेट दर्द या उल्टियाँ होना, जो कि बहुत गंभीर लक्षण बच्चों में इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी बच्चों में गंभीर लक्षण दिखने की समस्या कम होगी। कई जगह से ऐसे मामले जहां पर बच्चे काफी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, अगर तारीख वाइज हम आपको बताएं बच्चों के संक्रमित होने के आंकड़े, तो 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया में 29 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, 28 दिसंबर को शेखपुरा बिहार में 18 बच्चे संक्रमित हुए, उधर 28 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश में भी 36 बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी मिली, 2 जनवरी को उत्तराखंड में 82, 8 जनवरी को भोपाल के अंदर देखिए 28 बच्चे संक्रमित हुए और 8 जनवरी को ही दंतेवाड़ा में भी यानी कि छत्तीसगढ़ में 3 बच्चे संक्रमित हुए, 8 जनवरी को ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी 15 बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी मिली। तो ये आंकड़ा अलग अलग आपको बता रहे हैं और देखिए दिसंबर से लेकर जनवरी तक का ये पूरा जो आंकड़ा है काफी ज्यादा बड़ा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर धीरज जैन। डॉक्टर धीरज जैन, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ चिकित्सक है डॉक्टर निलय मूझरकर। डॉक्टर निलय, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं सर, क्योंकि अभी बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है संक्रमित होने की, क्या कुछ इसके रीजन है और कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर धीरे, मेरा टीवी इंटरव्यू चल रहा है इंडिया टीवी पे। डॉक्टर निलय, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर निलय, आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी जी डॉक्टर निलय, आप ही से सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो संक्रमण फैल रहा है, जो संख्या लगातार बढ़ रही है, इसका क्या कुछ आप कारण मान रहे हैं? पहले जो दोनों वेव्स आई हैं उसमें बच्चों की संख्या काफी कम थी संक्रमित होने वाले बच्चों की, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जो हम एडोलेसेंट बोलते हैं, एडोलेसेंट एज होती है 12 से 18 साल की, ऐसे बच्चे जो हैं ये इनको टीका भी नहीं लगा है और ये यंग एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो
प्रोबेबली इसी वजह से वैक्सीनेशन कम होने की वजह से बच्चों में अभी तक नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुई है। और दूसरा, ये बच्चे अभी कम संक्रमित थे तो अब क्योंकि एडल्ट संक्रमित हो चुके हैं, टीका भी लग चुका है, तो इसीलिए बच्चों के मामले थोड़े से पिछली दोनों वेव्स के मुकाबले थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं कोविड पॉजिटिविटी के। तो ये क्या उसी तरह है जैसे फर्स्ट वेव में सभी लोग संक्रमित हुए थे, बच्चों का तो हमने बचाव किया लेकिन डॉक्टर संक्रमित हुए, नौजवान संक्रमित हुए, बुजुर्ग भी संक्रमित हुए, और सेकेंड वेव में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्या इसको उसी तरह माना जाए अभी? जी जी बिल्कुल, अभी हम देखिए हिंदुस्तान में भी और इवन बाहर भी हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं अगर हम देखेंगे तो जिनको वैक्सीनेशन लगा है उनके उनको जो भी अगर कोविड पॉजिटिव होते भी हैं तो काफी कम उनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं और जल्दी से उनकी रिकवरी हो रही है। और स्पेशली बच्चों में पहले भी बहुत ज्यादा तीव्र लक्षण नहीं रहे हैं, इस बार भी उम्मीद ऐसी है कि तीव्र लक्षण या ज्यादा गंभीर समस्या बच्चों में नहीं आएगी। अभी जो लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं वो काफी साधारण गले में दर्द या साधारण बुखार या थोड़ा पेट में दर्द, उल्टियां, और उसके बाद 3 से 4 दिन में 5 दिन में बच्चे जो है रिकवरी उनकी हो जाती है। तो डॉक्टर, पुराने डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरा बच्चों को है या नया जो ओमिक्रॉन आया है उससे ज्यादा खतरा बच्चों को है? पुराने डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरा बच्चों को रहेगा। ओमिक्रॉन के बारे में हम सभी अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो किसी दूसरे तरीके से शरीर को प्रभावित करता है जिसकी वजह से वो फेफड़ों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, और गंभीर लक्षण जैसे निमोनिया होना या फेफड़े सफेद पड़ जाना सीटी स्कैन में जो हम देखते हैं वो सब समस्या जो है ओमिक्रॉन में दिखाई नहीं देती है। केवल गले की खरच, बुखार, इस तरीके के साधारण लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं ओमिक्रॉन में। तो अभी बचाव डॉक्टर ने क्या हो सकता है, क्या वही सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि हम पहले अपना रहे थे? जी बिल्कुल, सबसे पहला बचाव तो वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है 15 से 18 साल तक के बच्चों को, उनको हम टीका लगवाएं सबसे पहले बिना समय गवाए। दूसरा, जो हम रेगुलर करते आए हैं अभी तक की मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करना, बड़े बच्चे आसानी से मास्क का उपयोग कर सकते हैं इजीली, तो मास्क लगाते रहें। और स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि टीका लगाने के जो बच्चे टीका लगा चुके हैं उसके बाद भी वो इन तीनों चीजों का पालन करते रहें। डॉक्टर, एक चीज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था तब फीवर थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन के बाद आता है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता, किसी को ज्यादा आता है। डॉक्टर सलाह देते थे कि पैरासीटामोल ले लीजिए या क्रूसिन, जो भी फीवर की दवा है उसको लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी कुछ गाइडलाइन ऐसी भी है, 15 से 18 साल तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उनको कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है, इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप इसे क्लियर कर पाए तो। जी जी, कोवैक्सीन जो है स्पेशली उनकी साइट पे ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन आई है कि पैरासिटामोल की टेबलेट जो है वो आपको वैक्सीनेशन के बाद इस्तेमाल ना करें। उनका कहना ये है कि कोविड कोवैक्सीन लगाने के बाद पैरासिटामोल की टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर समय में जरूरत नहीं पड़ती है। यदि बुखार आता भी है तो काफी कम रहेगा या दर्द होता है तो काफी कम रहेगा जिसको जो 24 घंटे में खत्म हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर तेज बुखार किसी बच्चे को आ जाता है या बहुत ज्यादा दर्द होता है हाथ में जहां पर टीका लगा हुआ है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसके बाद भी 1 या 2 दिन अभी जरूरत पड़ने पर पैरासिटामोल की टेबलेट ले सकते हैं। यानी हमें फिजूल पे नहीं लेनी है, जैसे लोग वैक्सीन लेने के बाद अक्सर टेबलेट ले लेते हैं कि कहीं फीवर ना आ जाए उससे पहले हम टेबलेट लेने, ऐसा हमें नहीं करना है बच्चों के साथ। रेगुलर नहीं लेना, जरूरत पड़ने पर ही यूज करना। ठीक है, और एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, छोटे बच्चों का बचाव कैसे कर सकते हैं? छोटे बच्चों के लिए अभी क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं हुआ है, उनको कैसे हम बचाएं, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम मास्क भी नहीं लगा सकते हैं हमेशा। जी, मास्क लगाना छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली WHO ने भी कहा है कि ज्यादा छोटे बच्चों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके बचाव के लिए हम ये कोशिश करें कि बच्चा जो है वो हेल्दी फूड ले, घर का बना हुआ गर्म और पौष्टिक खाना खाता रहे। दूसरा, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे अनुशासन नहीं होता है, जैसे बाजार जाते हैं या मॉल जाते हैं या कोई और सब्जी बाजार जाते हैं, ऐसी जगहों पे ज्यादा छोटे बच्चों को लेकर बिल्कुल भी ना जाए, और बच्चों को घर में रखने की कोशिश करें और फिजिकल एक्टिविटी उनकी मेंटेन करें और साथ में सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का पालन अगर बाहर जाते हैं तो उसको करें। ऐसे करके हम छोटे बच्चों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर धीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? यस सर। जी
डॉक्टर धीरेन्द्र, बहुत ज्यादा जरूरी है आज आपकी राय और आपका लोगों को समझाना, लोगों को संदेश देना, क्योंकि अभी हम 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं डेल्टा प्लस के, डेल्टा के और ओमिक्रॉन के, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कैसे हम इनका बचाव कर सकते हैं, बच्चों को सेफ कैसे और रख सकते हैं, क्या कुछ और ज्यादा सावधानियां हो सकती हैं? सर, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप जागरूक करें अपनी बातों से। जी सर, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। पिछले 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, और मेरी भावना यही है सभी बच्चे स्वस्थ रहें। पर अभी जो माहौल है इसमें अगर हम छोटे बच्चों को लेकर घर से बाहर न निकले, बहुत जरूरी हो तो ही इम्यूनाइजेशन के लिए हम उनको वो करें। वैक्सीनेशन अभी हम 15 से 18 साल तक के बच्चों का कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव भी देखी, सेकंड वेव भी आपने देखी, और अभी जो थर्ड वेव के रूप में एक साथ केसेस बढ़ रहे हैं, इसको थर्ड वेव कह रहे हैं क्योंकि एकदम से केसेस सामने आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था 4 से 5 लाख केसेस आए थे, और अब देखिए 1,40,000 तक ये संख्या अब भी पहुंच गई है। वैक्सीनेशन का कितना ज्यादा मायने है बच्चों के लिए खासकर, डॉक्टर धीरेन्द्र जी? चलिए, लगता है डॉक्टर धीरेन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर निलय, मैं सर आपसे, आप ही से मेरा यही सवाल रहेगा, कितना ज्यादा जरूरी है? जी जी, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के और सैनिटाइजेशन यूज करके हम जो कोविड से बचते हैं वो हम थोड़ा सा बीमारी को डिले करते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो उसका 100% एक उपाय है कि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको 100% आप श्योर हो जाते हैं कि आप बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो काफी कम मात्रा में आपको लक्षण या समस्या दिखाई देगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो अभी एकमात्र अपने पास हमारे पास जो है वो हथियार है जो जिससे हम इस कोविड के पेंडेमिक को एंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो 15-18 इयर्स जो अलाउड किए गए हैं बच्चे, वो डेफिनेटली जो है जल्दी से जल्दी जाकर अपना पहला डोज लगवाएं, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद भी कुछ समय के बाद, हफ्ते से 10 दिन 15 दिन के बाद, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो जाती है, और जिसके वजह से आपको गंभीर लक्षण होने की समस्या जो है कम हो सकती है। अभी इसका कारण क्या, कुछ डॉक्टर आप मान रहे हैं जो एक साथ बच्चों के संक्रमित होने की केसेस मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो कारण एयर पॉल्यूशन। जी जी, बहुत ज्यादा सावधानी, क्योंकि अभी देखिए सर्दियों का सीजन भी है और पॉल्यूशन का जिक्र आप कर रहे हैं, पॉल्यूशन से हमें बचना है, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजर यानी कि साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी आज के दौर में क्या हम ये सलाह बच्चों को दे सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, भीड़ में हम रहेंगे ही नहीं, लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, तो शायद हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जैसी सावधानी पहले बरतनी थी वैसे ही अब भी बरतनी है, ताकि जो थर्ड वेव हमें अभी दिख रही आती हुई वो एकदम से उछाल ना आए। मेरी राय यही रहेगी सर। हेलो जी, आपको आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही। मेरी राय पर्सनल यही है कि हम बच्चों को लेकर घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो डॉक्टर से कोई परामर्श की जरूरत हो तो हम टेलीफोन पर परामर्श ले लें। जी, कुछ वैक्सीन अगर उनकी डेट आ रही हो तो उनको हम 15 दिन आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे प्राइमरी वैक्सीन जो अपने 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने लगाते हैं, उसके पीछे पेरेंट्स बड़े वरीड रहते हैं कि सर हमारी तारीख 5 तारीख है और हम 5 को नहीं लगाएंगे क्या होगा, वी कैन एक्सटेंड अप टू 2 वीक्स। तो इस तरह से हम 2 हफ्ते और उसके लिए अगर वेट करें और अननेसेसरी हम भीड़ में न जाए, डॉक्टर्स की क्लिनिक पे न जाए, तो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, अपन बच्चों को बचाने के लिए, छोटे बच्चों को, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों को तो वैक्सीनेशन हो रहा है, और वो अगर हम वैक्सीनेशन मास स्केल पर करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन, एक घर में 2 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे से कम से कम छोटे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, छोटे बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम बड़े 15 से 18 साल के बच्चों को जरूर से वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं। 8 दिन 10 दिन 15 दिन में इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और ये जो अभी थर्ड वेव की जो हल्ला चल रहा है और बहुत ज्यादा तक उससे स्प्रेड हो रहा है, बॉम्बे कलकत्ता में एवरी थर्ड पेशेंट इज पॉजिटिव, इंदौर में भी काफी केसेस सुनने को मिल रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। हमारे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं 70 से 80% बच्चे पिछले 1 हफ्ता से पेट दर्द वॉमिटिंग फीवर इस तरह के केसेस आ रहे हैं।
हम उनको एडवाइस करते हैं आरटीपीसीआर करा लो, इट माइट बी कोरोना, इस नाम पे घबरा जाते हैं, सिर्फ दवाई लेके घर चले जाते हैं और वो लोग जांच नहीं करवा रहे। उसके कारण से क्या हो रहा है, स्प्रेड बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, वो बच्चा हो सकता है अपने पेरेंट्स को भी स्प्रेड कर देगा जी। वो बच्चा कहीं से इन्फेक्शन लाया, स्कूल गया या आसपास खेलने गया मोहल्ले में सोसाइटी में, और वो इन्फेक्शन अपने पेरेंट्स को दे देगा। कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए मैं पेरेंट्स को स्पेशली एडवाइस करना है कि अपने बच्चों में अगर ये सिम्टम्स हैं, अपने डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहे हैं, तो वी शुड गो फॉर आरटीपीसीआर अर्लीएस्ट पॉसिबल। पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि हम बच्चे की जांच कराएंगे पॉजिटिव आ जाएगा क्या होगा, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय जो वेरिएंट आया है इससे कोई एडमिशन नहीं है। आज हमारा बच्चों का हॉस्पिटल पर अभी तक एक भी बच्चा क्लिनिकली इस वेरिएंट का नहीं आया है, ना एडमिट हुआ है। पिछली उसमें जब सेकंड लहर आई थी काफी बच्चे भर्ती हुए थे ग्रेटर क्लास हॉस्पिटल में, चोईथाम हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी। उस समय हमने दोनों तीन हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट भी किया था और काफी बच्चे 100% रिजल्ट के साथ इम्प्रूव हुए। कुछ बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम आई थी बाद में, MIT की जो कार्डियक सिम्टम्स आए थे वो भी कार्टिसोन से और दवाइयों से ठीक हो गए थे। तो मॉर्टेलिटी रेट वॉज जीरो डेट टाइम, दिस टाइम देर इज नो एनी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो हम अगर एडवाइस करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं, अपनी क्लिनिक्स में हम ये खाली सिर्फ अपने पेरेंट्स को, क्लास को, अटेंडेंस को ये समझाएं कि आप इस चीज को समझें, अपने बच्चों के अगर ये सिम्टम्स हैं, सिंपल पेट उल्टी भी है, बुखार नहीं है, बच्चा उल्टियां कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है, तो हमें सबसे पहले आरटीपीसीआर कराना है। आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो भी अपन तो क्लिनिकली मान के चलो कि अपने बच्चों को कोरोना है, तो अगर हम उसको आइसोलेट कर लेंगे तो हम दूसरे बच्चों को स्प्रेड नहीं करेंगे। और जहां तक कोशिश हो अपने घर से बच्चों को बाहर न निकालें जी। तो सर अभी क्या ये लक्षण भी है वॉमिटिंग के जो आप बता रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन के? ठीक है, लौटेंगे धीरेन जी के पास। डॉक्टर नरेन, अभी जो डॉक्टर धीरेन बता रहे थे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर तो पहले से ही लोगों को आता था इस पर, ये अभी लक्षण देखने पर हमें तुरंत अपना टेस्ट कराना है, यानी कि ये कहा जाए कि टेस्टिंग में जरा भी कोताही नहीं बरतनी हमें? बिल्कुल सही बात, जितनी फास्ट टेस्टिंग होगी उतनी फास्ट ही बीमारी पकड़ में आएगी। और इस समय ट्रीटमेंट हमें आइसोलेट करना है, बच्चों से कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो, सोसाइटी में, कम्युनिटी में दूसरे बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो, हमारा बेसिक एम यही रहना चाहिए। चलिए आज इसी तरीके के जी, जी। डॉक्टर निलय, डॉक्टर धीरेन्द्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी राय लोगों को देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, आगाह करने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों ने जो कही, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों ने उनको बड़ा गौर से सुना होगा, उन पर अमल भी करेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी सावधानी आपके हाथ में है। नमस्कार।